हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 24 और हम पढ़ रहे हैं आपका लाइफ साइकिल मेथड की सीरीज चल रही है कंटिन्यूअसली, जो कि रिएक्ट जेएस के बेसिक टू एडवांस कोर्स के अंदर ही है, ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे आपका कंपोनेंट डिड अपडेट को। प्रीवियस वाले में हमने कंपोनेंट डिड माउंट को पढ़ लिया था गाइस, अगर आपने वो मिस कर दिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाए एंड आप वहां पे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहां पे देखते हैं सबसे पहले। एंड गाइस, मैंने जैसे आपको हर एक वीडियो में बताया था, ये रिएक्ट जेएस की टूटली सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइस, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जाए एंड फॉलो कर लें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे लाइफ साइकिल के अंदर कि आपका कंपोनेंट डिड अपडेट करता क्या है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है, उसको रीड कर लेते हैं पहले। इन रिएक्ट द कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड्स allow us to execute the React code when the component is updated. All the network requests that are to be made when the props passed to the component changes are coded here. It means कि जब कभी भी हमने previous वाले में पढ़ा था, जब component mount जो होता था आपका, वो सारा component render होने के बाद चलता था। और ये आपका method कब चलता है? जब कभी भी आपका कोई भी props या कोई state change होता है, उस केस में फिर आपका ये वर्क करता है जब ये अपडेट होता है आपका कंपोनेंट। और अपडेट कैसे होता है आपका? प्रॉप्स और स्टेट के केस में, ओके? या तो फिर आप एपीआई फेच कराएंगे तब, ओके? इसका पर्पस क्या है, क्यों इसको हम यूज करेंगे, ओके? अब तो खैर इसका अल्टरनेटिव हुक्स है आपका, जो कि आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे, बट इसको मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि आपको इंटरव्यूअर को आप समझा सके, ओके? हैंडल साइड इफेक्ट्स एंड परफॉर्म एडिशनल ऑपरेशंस आफ्टर अ कंपोनेंट अपडेट। इट मीन्स कि आपका कोई कंपोनेंट अपडेट हो गया है और आप उसके बाद में कुछ फंक्शनैलिटी या कुछ लॉजिकल वर्क करवाना चाहते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, तो वो हम इस मेथड के अंदर कर सकते हैं, ओके? इसके बाद है सेकंड पॉइंट आपका यहां पे, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन प्रॉप्स ऑफ स्टेट, ओके? इसके अकॉर्डिंग हम सेट करवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका यहां पे, अपडेट द डॉम और इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल लाइब्रेरीज आफ्टर अ कंपोनेंट अपडेट, ओके? फोर्थ पॉइंट है आपका यहाँ पे, परफॉर्म असिंक्रोनस ऑपरेशंस बेस्ड ऑन प्रॉप्स और स्टेट चेंजेस। फिफ्थ पॉइंट है आपका यहाँ पे, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी अपडेट्स और एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस, ओके? तो ये इन सारे पॉइंट्स को आप बता सकते हैं कि जिसकी वजह से हम कंपोनेंट डिड अपडेट को यूज करा करते थे और ये लाइफ साइकिल का आपका पार्ट था प्रीवियसली, ओके? अगर मैं आपको यही चीज डायग्राम में दिखाऊं जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, तो हमने अभी माउंटिंग कवर करा, हमने कंस्ट्रक्टर देखा वहां पे, हमने कंपोनेंट डिड देखा और उसी में हमारा रेंडर, ओके? रेंडर आपका हर केस में था, दोनों के केस में। अभी हम इसके अंदर जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं आपका न्यू प्रॉप्स और स्टेट के केस में कैसे आप कंपोनेंट डिड अपडेट वर्क करेगा आपका, ओके? बाकी भी कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में, बट आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं कंपोनेंट डिड अपडेट वर्क कैसे करेगा। तो अब इसका एग्जांपल मैं आपको थ्योरी के बाद आप प्रैक्टिकल में देता हूं, तो यहां चलते हैं सबसे पहले आपका एडिटर में और एडिटर में इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मेरे पास में वही पुरानी वाली फाइल जो प्रीवियस वाले पार्ट में मैंने इसको यूज करी थी, वही फाइल आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, जिसके अंदर हमारा कंस्ट्रक्टर का कंसोल प्लस सुपर हमने डिक्लेयर कर रखा है एंड हमने रेंडर के अंदर भी एक कंसोल लगा रखा है यहाँ पे। और यही आप चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा टाइटल प्लस दोनों कंसोल यहाँ पे आ भी रहे हैं, ओके? अब इसके बाद में सबसे पहले हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि वर्क कैसे करता है, ओके? तो हम क्या करेंगे, अभी यहां पे आएंगे आप रेंडर से जस्ट ऊपर, ओके? मैं यहां लिख देता हूं आपको एग्जांपल वन के लिए। पहले सबसे पहले हम कंपोनेंट को कॉल करवाएंगे, कंपोनेंट डिड अपडेट को, ओके? इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स मिलते हैं, उन्हें भी हमें यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा क्यों यूज करते हैं हम उन्हें। और यहां पर मैं एग्जाम्पल वन लिख देता हूं अंदर भी, और कंसोल अगर मैं लगा लूं, ओके? कंसोल कॉपी कर लेते हैं ऊपर से ही, यहां से क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं, ओके? और यहां पेस्ट कर देते हैं और इसके अंदर मैं आपका लिख देता हूं ये। अब ये चीज आपको दिख रही है कि एक और कंसोल लग गया हमारा, किसमें? कंपोनेंट डिड अपडेट में। अब ये चलेगा कैसे? इसे चलाना भी तो होगा हमें, ओके? अभी क्या है कि अभी मैं अगर यहां पे चलूं और यहां पे आप देखेंगे जैसे कि आपका रिफ्रेश हुआ है कंपोनेंट, बट आपकी वो कॉल नहीं हुआ, वो कंसोल आया ही नहीं यहां पे। अगर मैं इसको क्लीन करूं और क्लीन करके यहां पे रिफ्रेश करूं अगेन, तो यहां पे अभी आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड रेंडर कॉल्ड। इट मींस कि दोनों ही कॉल हो रहे हैं अभी, अभी जो हम बनाना चाहते हैं वो कॉल्ड नहीं हुआ अभी हमारा, ठीक है? अभी क्यों नहीं हुआ, ये कब होगा? ये होगा आपका स्टेट एंड प्रॉप्स के केस में। अब देखिए मैं आपको इस चीज को स्टेट के साथ समझाता हूं। अगर मानिए मैं यहां पे दिस डॉट स्टेट ये डिफाइन कर दूं, ओके? ये मैंने यहां पे ले लिया और मैं नेम में इनिशियल वैल्यू रख देता हूं आपका कोड फॉर एजुकेशन, कोड फॉर एजुकेशन मैंने यहां पे रख दिया। अब इसके बाद में यही इसी को जो हमारे स्टेट है इसी को तो चेंज करवाना होगा, तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे बटन, और बटन में हम क्या करेंगे अपडेट
स्टेट, ओके इसका नाम दे देंगे और यहां पे एक ऑन क्लिक बनाएंगे हम, ऑन क्लिक में कर्ली ब्रेसेस, ओके और एरो फंक्शन दिस डॉट सेट स्टेट, बिकॉज हमें यहां पे सेट करवाना है, चेंज करवाना है, और इसके अंदर भी कर्ली ब्रेसेस आएगा बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो, और यहाँ पे नेम जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी अब आपकी भास्कर गुप्ता, ठीक है जी, बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्टेट चेंज होगा, और स्टेट चेंज होगा तो हमारा कंपोनेंट डिड अपडेट वर्क करना चाहिए यहाँ पे, और जो कि हमने कंसोल यहाँ पे प्रिंट करवा रखा है वो आना चाहिए। हम करेंगे यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे अभी भी कॉल नहीं हुआ, ओके एक बार मैं अगर आपको दोबारा दिखाऊं तो देखिए अभी भी नहीं है, बट जैसी मैं करूंगा यहाँ इस बटन पे क्लिक करने के तुरंत बाद आप देखेंगे कंपोनेंट डिड अपडेट, यहाँ पे आपका कॉल हो गया है। एक और चीज गाइज यहाँ पे कि हम इसके अंदर कभी भी आपका स्टेट को चेंज नहीं करवाते हैं, अगर हम यहाँ पे स्टेट को चेंज करवाएंगे ना तो वो मल्टीपल टाइम्स आपका चेंज होता रहेगा और वो लूप के अंदर चला जाएगा आपका कंटिन्यूअसली, जैसे वाइल लूप के अंदर आपका कंटिन्यूअसली चले जाता ना, सेम वैसे ही क्यों नहीं करवाते वो भी मैं अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो देखिये यहाँ पे अब जितनी बार भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार आपका रेंडर हो रहा है, कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल कर रहा है, ओके दिख रहा है आपको। तो ये है आपका पहला कि जिसकी वजह से स्टेट चेंज होने की वजह से ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली। अब जो सेकंड इसके अंदर अगर मानिए मेरे को कुछ चीजें चलानी हैं तो वो कैसे, तो मैं क्या करता हूं यहां आता हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं काउंट आपका, ओके काउंट में जीरो कर देते हैं, इसकी वैल्यू जीरो है, इनिशियल वैल्यू जीरो कर देते हैं। अब ये जो जीरो वैल्यू है इसी को मेरे को यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट करके दिखाना है इसके अंदर कैसे, तो देखिए मैं क्या करता हूं यहाँ पे कमेंट भी करते हुए चलता हूँ जिससे कि आपको समझ में रहे कि कितने एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, और ये एग्जाम्पल होने वाला है 3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे बटन, इसी बटन को कॉपी कर लूंगा, करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ से रिमूव कर देंगे सब कुछ, ओके ओके। अब हमारा यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा फंक्शन, यहाँ पे हमारा काउंट आएगा, दिस डॉट स्टेट आएगा, डॉट काउंट पिक करेंगे हम वहां से, प्लस 1 हो जाएगा हमारा क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 है, ओके। और अब क्या करेंगे हम यहां पे, ठीक है यहीं पे एक H2 ले लेंगे, H2, और इस H2 के अंदर अगर मैं काउंट लिख दूं और कर्ली ब्रेसेस के बाद दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, ओके तो इनिशियल वैल्यू हमारी 0 आ जानी चाहिए यहां पे। करूंगा मैं यहां पे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे आने के बाद देखिए दोनों बटन आपको अभी यहां पे विजिबल हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं एक बटन को अभी यहां पे कमेंट कर देता हूं, ठीक है उसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। करूंगा मैं सेव, ओके सेव करने के बाद यहां आएंगे तो यहां पे आपको एक बटन दिख रहा है अब, और यहां पे काउंट 0 दिख रहा है आपको। एक बार मैं यहां पे इसको क्लीन करता हूं दोबारा रिफ्रेश, जिससे कि आपको समझ में आए इसलिए मैं बार बार क्लीन और रिफ्रेश कर रहा हूं, ओके। अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा आपका, देखिए आपका वन टाइम चला आपका कंपोनेंट डिड कॉल, ओके अपडेट वाला यहां पे चला आपका। जितनी बार आपका यहां पे स्टेट चेंज होगा, देखिए नंबर चेंज हो रहा है, उतनी बार आपका रेंडर कॉल्ड हो रहा है यहां पे। देखिए इस मेथड में भी अभी हमने स्ट्रिंग करा था इससे पहले, और यहां पे आप देखेंगे तो ये भी कॉल हो रहा है आपका, ओके तो ये देख पा रहे हैं आप कि किस तरीके से आपका स्टेट चेंज हो रहा है, तो ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है। अब आपको मैं कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर दो पैरामीटर बताता हूं कि जो अभी आप यहां पे वैल्यू गेट कर सकते हैं, जिससे आप कंडीशन थोड़ी बहुत छोटी मोटी कंडीशन यहां पे बना सकते हैं कैसे। तो यहां पे आपको करना क्या होगा, यहां पे सबसे पहले जो हमने ये लिया है आपका कंसोल, तो इसमें आपको प्रिंट करवाना है, मानिए प्रीवियस स्टेट करवानी है, दो पैरामीटर आपको लेना पड़ेगा, आपको प्रीवियस स्टेट एंड प्रीवियस प्रॉप्स कर देते हैं, ठीक है ये दो हमारे पास में यहाँ पे प्रॉप्स मिल रहे हैं, इट मींस कि पैरामीटर मिल रहे हैं। अगर मैं प्रिंट करवाऊं आपको यहाँ पे स्टेट और करूं यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद चलें हम वापस यहाँ पे अपने ब्राउजर पे, एंड यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेट के अंदर अभी यहाँ पे आपको फंक्शन बन के आ रहा है, ओके यहाँ पे आपको फंक्शन बन के यहाँ पे विजिबल हो रही होंगी चीजें। और यही चीज अगर मैं प्रॉप्स के साथ में करूं यहाँ पे, ठीक है ये देखिए प्रॉप्स के साथ में, और करूं सेव एंड यहां पे आ जाऊं अगेन और यहां पे क्लिक करूं तो यहां पे आपको काउंट 0 दिख रहा होगा, ओके इट मींस कि जो उसकी नेम की वैल्यू है वो कोड फॉर एजुकेशन दिख रही है आपको, और यहां पे आपको 0 दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई आपकी, अब मानिए कि यहीं पे मेरे को प्रिंट भी करवाना है, ओके प्रिंट कैसे करवा सकते हैं आप यहां पे चीजों को, तो आपको क्या करना होगा, मानिए कि मेरे को कंडीशन के साथ चलना है, ठीक है कंडीशन पे कुछ मेरे को प्रिंट होना चाहिए या स्टेट काम करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं यहां पे इफ लेंगे आप दिस डॉट ओके स्टेट डॉट काउंट, पहला तो हो गया ये कंडीशन। सेकंड कंडीशन आप ले सकते हैं यहां पे स्टेट की, ठीक है स्टेट डॉट काउंट कि जो स्टेट है उसकी अगर वो हो चेंज तभी आपका ये वर्क करना चाहिए, तो यहां पे उसके बाद आएगा आपका कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर पहले लेते हैं हम अलर्ट को, ओके अलर्ट लिया मैंने, ये पहला चलेगा आपका अलर्ट, एंड इसके बाद फिर
अब क्या चलेगा नेक्स्ट यहां पे, और इससे पहले हम क्या करते हैं और इसको हम रैप कर देते हैं फंक्शन को, क्योंकि जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि कॉमा के साथ हम डिक्लेयर कर रहे हैं कंडीशन थिंग्स, ओके। और यहां पे जो हमारा ये कंसोल है इसको यहां से करेंगे कट, यहां करेंगे पेस्ट, ओके। पेस्ट करने के बाद में यहां पे प्रिंट क्या करवाएंगे हम, प्रीवियस स्टेट डॉट काउंट, पहले कि प्रीवियस में हमें वैल्यू क्या थी हमारी और नई वैल्यू क्या है उसके लिए हमारे पास में दिस स्टेट काउंट हमें मिलता है, ठीक है। ये देखिए प्रीवियस में प्रीवियस वाली हमें वैल्यू मिलेगी जो स्टेट होगी उसकी, ओके। और जो हमारा लेटेस्ट वाला होगा वो इसके अंदर हमें मिलेगा देखने को। अगर मैं इनको पैरामीटर को आगे पीछे भी कर दूं, अगर मैं देखिए यहां पे इस तरीके से कर दूं, जो एक्चुअल होता है मैंने यहां पे आगे पीछे लिख दिया था, बट अगर मैं यहां पे इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं, पहले प्रॉप्स आएगा फिर आपका स्टेट आएगा, तो ये पैरामीटर कुछ इस तरीके से आते हैं। और यहां पे हमने अपना कंसोल लगा लिया, कंडीशन लगा ली। अब इसके बाद चलते हैं ब्राउजर पे, ओके। एंड ब्राउजर पे आने के बाद ओके एक काम और करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल आपके कंसोल्स आ रहे हैं ना, इनको अभी कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, अभी नहीं चाहिए हमें ये। चलिए यहाँ पे सेव करते हैं इसको, अभी हमें यही देखना है, इस पे फोकस करते हैं। यहाँ वापस आते हैं, वापस आने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, आपका यहाँ पे कंसोल पूरा का पूरा एम्प्टी है, जो हमने कंसोल लगाए थे वो हट चुके हैं। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा वैसे ही आप देखेंगे वन आ चुका है, बट अभी कंसोल नहीं चला आपका, क्योंकि वहां पे हमने कंडीशन लगा रखी है आपकी, क्या करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू। अब इसके बाद में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा उसके बाद अब चला आपका, देखिए पहले अलर्ट चला, इट्स वर्किंग, यहाँ पे वर्किंग दिख रहा है, एंड देन यहाँ पे आपको कंपोनेंट कॉल होते हुए दिख भी रहा होगा वन और टू, ओके। तो आपकी पहली वैल्यू इनिशियल है जीरो पे, ठीक है, वो आपको दिखेगी। अगर आप चाहें तो यहां से इसको कॉपी करें, ओके, कॉपी करके यहां पे मानिए कि इससे बाहर कंसोल है मेरे पास में, ठीक है, मैं यहां पे प्रिंट करवा देता हूं, मैं करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद में यहां पे आऊं, मैं रिफ्रेश करूं अगर, और रिफ्रेश करने के बाद क्लिक करूं तो सबसे पहले आपको यहां पे वैल्यू क्या देखने को मिली है, यहां पे आपको वन और जीरो, इट मींस कि इनिशियल वैल्यू जीरो है आपकी। अब ये कैसे आपको पता लगेगा, क्योंकि देखिए करंट तो ये है आपकी, ठीक है, अगर आपको प्रिंट करवाना है तो देखिए सीक्वेंस पूरा प्रॉपर मेंटेन रखना पड़ेगा। देखिए अगर मैं सीक्वेंस मेंटेन कर देता हूं आपका कुछ इस तरीके से, और मैं अब करता हूं सेव इसे, एंड सेव करने के बाद अब आप देखेंगे तो देखिए यहां पे दोबारा रिफ्रेश करते हैं और यहां क्लिक करते हैं तो देखिए जीरो एंड वन, इनिशियल वैल्यू आपकी जीरो थी, अब वन आपको यहां पे मिल रही है। अब इसके बाद में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वर्किंग का अलर्ट चला आपका, जो कंडीशन हमने बनाई थी, और यहां पे आपको दिख रहा होगा वन और टू, जो आपकी वैल्यू प्रीवियस वैल्यू क्या हुई आपकी वन, और नई वैल्यू आपकी क्या हुई टू, और यहां पे आपको वो अंदर का कंसोल भी यहां पे विजिबल हो भी रहा होगा। अब आपका यही क्वेश्चन होगा कि मानिए हम यहां पे स्टेट को, जो आप कह रहे हैं कि स्टेट यहां पे नहीं रखते, स्टेट को अपडेट नहीं कराना चाहिए, अगर करा देंगे तो क्या होगा, तो देखिए उस केस में होगा क्या। यहां पे मैं क्या करता हूं इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है, कमेंट करने के बाद में यहां नीचे आते हैं, इफ लेते हैं, इफ लेने के बाद में यहां पे जो आपका काउंट है इस काउंट पे ओके कंडीशन बनाते हैं पहले, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और जो दिस सेट स्टेट है हमारे पास में इसके अंदर जो हम अपडेट करवा रहे हैं ना अभी, जो आपका बटन पे क्लिक करने की वजह से, अगर वो हुई चीज हम यहां पे करवा दें अगर, तो देखिए कैसे होगा। ये चीज हमने कहां रखी, स्टेट के अंदर, अभी मैंने यहां कोई कंडीशन नहीं लगाई है, ओके। यहां करूंगा अगर मानिए सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं और यहां पे अगर मैं इसे क्लीन करूंगा पहले और रिफ्रेश करूं अगेन, और यहां पे मैं करूं क्लिक, क्लिक करने के बाद अभी आप देखेंगे, देखिए आपका मल्टीपल टाइम्स यहां पे ये चला है, और चलने के बाद में यहां पे आपका ये बिल्कुल आपका एरर देने लग गया है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर डेप्थ एक्सीड, ओके, जो इसकी लिमिट है जो कंटिन्यूसली लूप चलने की उससे भी ऊपर जा चुका है, दैट्स व्हाई ये मैसेज एरर के तौर पे हमें दिखा रहा है। अब आप चाहते हैं कि एरर ना दिखाए, उस केस में क्या करेंगे आप, तो देखिए एक काम और कर सकते हैं, मैं यहां पे कंडीशन बनाता हूं 10 की प्रिंट, पहले 10 ही प्रिंट करवा लेते हैं, वापस आते हैं रिफ्रेश करते हैं, ओके। अब यहां पे क्या होगा कि 10 बार प्रिंट होना चाहिए बस, अपडेट स्टेट पे करेंगे तो देखिए 10 टाइम यहां पे प्रिंट हो रहा है, बट यहां पे नहीं करना चाहिए ये, आप समझ रहे हैं, ये तो एक कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन के हिसाब से आप खेलेंगे तो कैसे चलेंगी चीजें, तो इसीलिए जब कभी भी हम स्टेट रखते हैं वो स्टेट बाहर रखते हैं, ओके, और जो हमारी जितनी भी चीजें मिलती हैं वो अलग। और यहाँ पे जो प्रॉप्स मैंने आपको दिखाया, प्रॉप्स में प्रॉप्स की वैल्यू आ रही होगी, अगर आप चाहें तो इसको कॉपी करें आगे प्रिंट करवा सकते हैं, देखिए मैंने उसी कंसोल में यहाँ पे प्रिंट कर दिया। वापस चलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे एक बार आते हैं वापस, रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद क्लिक करते हैं, देखिए पहली वैल्यू, दूसरी, और दूसरी में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए कंपोनेंट डेट अपडेट कॉल्ड हो रहा है, जो हमने कंसोल लगाया वो आपकी वैल्यू आ रही है, प्रीवियस वाली वन और लेटेस्ट टू, एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये कुछ मेथड्स आपको दिखेंगे, आपका कंस्ट्रक्टर हैज ऑन प्रॉपर्टीज, सारी चीजें यहाँ पे आपको विजिबल भी हो रही है।
तो यही है आपका गाइस, आपका कंपोनेंट डिड अपडेट किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि आपका कंपोनेंट डिड माउंट आपने प्रीवियस वीडियो में देखा वो कैसे बिहेव करता है जब कंपोनेंट रेंडर हो जाता है उसके बाद। अपडेट आपका तब चलता है जब आपकी स्टेट या प्रॉप्स कोई भी चीज चेंज होती है उस केस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं पहले। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका शुड कंपोनेंट अपडेट को, कि किस तरीके से ये मेथड वर्क करता है आपका लाइफ साइकिल मेथड के अंदर। ओके, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब के लिए टिल देन, बाय बाय गाइस।